हेलो नमस्ते प्रणाम, वेलकम टू माय चैनल योर सोल हैकर का न्यूज। तो कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे हो गए? तो मुझे कानपुर आए एक हफ्ता हो गया और अब इसमें कोई भी जॉब शूट नहीं कर पाई क्योंकि 3 महीने में बाद आई थी, तो काफ़ी एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगा और अभी भी एडजस्ट हो ही रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली अपना आज का डेली रूटीन, और अभी बज रहे सुबह के 8 और मैं देखिए 8 नहा धो के मैंने तैयार होकर साड़ी पहन लिया। तो आज हम जा रहे हैं संकटा, मतलब मेरी चाची सास ने संकटा जी की पूजा रखी है, तो मैं बाद में बताऊंगी क्या होता कैसे होता। तो इसी लिए मैं आज वो सुबह ही सुबह करने वाली थी, वैसे किसी भी टाइम कर सकते, तो मैं उसी वजह से जो है सुबह सुबह तैयार होकर साड़ी पहन के नहा धो के मैंने आज लिए पहुँच चुकी है। बाल अभी गीले हैं तो भी आज 8 बज गए हैं। फटाफट तो मैंने पूजा वूजा कर ली, घर की पूजा कर ली और अभी मैं किचन में और बना रही माँ की और अपनी चाय पी और हम जाएंगे चाची के बगल में, रहती घर में ही रहती चाची, उनके यहाँ बिना चाची उनके यहाँ संकटा की पूजा। अगर मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाई तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा पाऊँगी, क्योंकि मेरा स्टैंड होता जो जिससे मैं वीडियो शूट करती हूँ या सेल्फी स्टैंड जो होता है सेल्फी स्टिक वगैरह पूर्णिया लखनऊ में, उसकी वजह से मैं फ़ोन के ही तो रख नहीं पा रही, कुछ शूट नहीं कर पा रही। क्योंकि सुबह का समय था, सब लोग सो रहे थे और फैन भी हर जगह चल रहा था, तो मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो हम संकटा की पूजा में जा रहे थे, मैं और माँ जा रहे थे, मैं इसीलिए सुबह सुबह 8 बजे तैयार हो गई थी। तो बिना चाची हैं मेरी चाची सास, उन्होंने ही संकटा की पूजा रखी थी, पर फैन चल रहा था तो मे भी आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो, इसलिए मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर कर दूँ। तो चलिए, मैं चाय पी रही थी और चाय पीने के बाद हम जो है संकटा की पूजा के लिए गए। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी संकटा की पूजा कैसे होती है। हम सब संकटा की पूजा के लिए चले गए थे, ये बिना चाची हैं, ये हमारे घर का ही मंदिर है, घर में ही हमारा मंदिर है, वहीं पे हमारी संकटा की पूजा हो रही थी। तो हम सबका बारी बारी वेट कर रहे थे, बिना चाची बीच में बैठ के जो है तो ये हमारी पूर्णिमा चाची हैं, ये जो है संकटा की कहानी सुना रही थी, 4 कहानियाँ कही जाती थी, तो ये पूर्णिमा चाची जो है कहानी सुना रही थी। तो सब लोग अब उस फूल को तोड़ने के लिए लगे रहे, लेकिन वो फूल किसी के पास का नहीं था, तो ये वो छोटी रानी को बुला, वही ये फूल तोड़े। तो जब छोटी रानी को बुलाया जब उन्होंने अपना आंचल फैलाया तो वही फूल उनके आंचल में गिर गया। जब वो गिरा तो गणेश जी ने तो वो गणेश जी की मूर्ति में बदल गया। तो कहने लगे कि राजा बोले ये तो मूर्ति हमने आपको दी थी, ये यहाँ कैसे आए? कहने लगे हम कुछ नहीं जानते, जो जाने गणेश भगवान जाने। तो उसके बाद गणेश जी ने असली में अवतार ले लिया, कहने लगे कि यहाँ पूछिए, तो बड़ी रानी ने ये सब किया था तो वो बहुत शर्मिंदा हुई। तो उन्होंने अपने मुंह से तो कुछ नहीं कबूला, लेकिन हाँ जब कुएं में वही दृश्य दिखाया गया कैसे दासी गणेश जी को छुड़ा के लेके आई, कैसे कुएं में डाला, राजा ने बड़ी रानी को राज्य से निकाल दिया और बहुत दूर कहीं झोपड़पट्टी में रहने के लिए भेज दिया, कहने लगा आप यहाँ रहने लायक नहीं है। उस दिन बाद छोटी रानी को भी गर्व ठहरा, 9 महीने बाद उन्होंने पुत्र को जन्म दिया, जैसे उनके दिन भर वैसे सब तो एक दिन उनके घर में पूजा हुई, तो मैंने कहा कि क्या करें, इसको क्या काम दें, ये जो भी पूजा में काम में अगर इसने झूठा कर दिया तो कितना हो जाएगा, अब इसको ऐसा क्या काम दें कि जो ये खा ना सके। तो उनको आटा मारने का काम दिया गया, आटा मारते मारते वहाँ पे इतने पूजा पाठ हुआ कि मतलब सब लोग मनाने का दीदी मेरा टेढ़ी काय हो गई, सब हुआ। तो उनकी बहुआ बोली हम आपको भेजो, हम सीधा कर देंगे, दुनिया का आदमी यहाँ का सीधा ना कर पाया, ये नहीं हम सीधा करेंगे। तो वहाँ गई उनके सामने गई, कहने लगी कि माता का कहीं हाथ जोड़ा, कहने की काय दो लिया तो काय मत सीधी संकटा को अखे मन हार, संकटा को अखे धर्मी पार उतर गए, धर्मी पार उतर गए, संकटा पापी रहे मजदार, संकटा पापी रहे पापी की माता अरज करत है, पापी की माता अरज करत,
संकटा पापी लगाओ बेड़ा पार, संकटा पापी लगाओ बेड़ा पार। उठो दो उठो संकटा हाथ मुख, संकटा लय वीरा मुख चाप, संकटा लय वीरा मुख चाप। संकटा वो दिन आयो हम, बोलो संकटा मैया की जय। तो संकटा में दही पेड़े खिलाए जाते हैं, तो ये सबलोग दही और पेड़े लेके बैठे हैं। दही पेड़े खाने के बाद हाथ धोने के बाद सबलोग सुहाग लेते हैं। तो ये देखिए माँ संकटा की पूजा ऐसी होती है। मैं प्रिय दिखा रही हूँ, देवी ऐसे पाटे पे बनाई जाती है, सजाए जैसे श्रृंगार का सामान रखा जाता है। तो मैं आपको पास से दिखा रही थी। ये वीना चाची, ये पूर्णिमा चाची, इनको आप पहले जान चुके हैं, यही कथा सुना रही थी कहानी। तो सब ऐसे बारी बारी सारी जो औरतें होती है, इतनी सुहागन औरतें होती है, बिना उठे घुटने के बल चलते चलते सुहाग लेती है। ये फिर माँ सुहाग ले रही थी, तो मैंने माँ का भी शूट कर लिया। तो ये माँ है, मेरी सासू माँ है, ये भी सुहाग ले रही थी। इस तरह हमारी संकटा की पूजा पूर्ण हुई, और इसी तरह सारी सुहागन औरतों पूजा करती है। तो संकटा माता की पूजा ऐसे होती है, आप कोई मन्नत माने होते हैं संकटा माता से, कोई संकट दूर करती है, उसके बाद सात सुहागन औरतों और जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी सुहागन औरतों को बुला के दही पेड़ा खिलाया जाता है, और इस तरह सुहाग का सामान दिया जाता है, चढ़ाया जाता है। यही होती है संकटा माता की पूजा। बोलो संकटा माता की जय, सब पे कृपा करे, सबका कल्याण करे। मैं हाँ संकटा की पूजा करके आ गई। संकटा की पूजा के बाद मैंने साड़ी बदल ली, मैंने सूट पहन लिया, क्योंकि साड़ी पहन के जो है ये ऑर्गेंजा फैब्रिक की साड़ी है, तो और मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और मुझे काम भी करना, तो दो साड़ी पहन के तो काम हो नहीं पाता। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैंने कुर्ता प्लाजो पहन लिया है, और फिलहाल मैं मिट्टी को बिस्किट खिला रही, कुछ खा ले कुछ खा ले, कुछ खाता तो है नहीं लड़का। मैं इधर भी बहुत परेशान थी, मुझे वन वीक हो गया लखनऊ से कानपुर आए, पर मुझे ब्लॉग शूट नहीं चल पाई, बिकॉज मेरी लड़की की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, भगवान की दया से एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड फाइन। तो आज थोड़ा मूड बेटर लगा, तो लगा कि आज ब्लॉग शूट कर लूँ, तो आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि संकटा की पूजा कैसी, संकटा माता होती है। आप लोग भी मन्नत मांगो, कोई भी मन्नत मांगो कि मैं माँ संकटा में सुहागिन है, सुहागन औरतों को, सात औरतों को, नौ औरतों जितनी आपकी वो हो उतनी औरतों को जो है खिलाऊंगे। तो पेड़े और दही खिलाए जाते हैं और संकटा माता की पूजा होती है। तो यही होता है यहाँ पे कानपुर, मैंने बहुत देखा है यहाँ पे होता है। संकटा माता को बहुत लोग मानते हैं, मतलब यहाँ ससुराल में बहुत ज़्यादा मानते हैं और मैं भी मानती हूँ। तो संकटा माता सबको संकट दूर करती है। तो ये मैंने किताब को भी शेयर कर लूँ, मैं भी बहुत लोगों को पता हो ऑलरेडी, बट मेरी भी बहुत लोगों को ना पता, और ये मेरे मतलब मैं शेयर करना चाहती, तो आप लोगों ने शेयर कर लिया। तो ये मैं आपको दिखाऊँगी, देखिए देखिए यहाँ लेते हैं, और तो मैं कोशिश करी बिस्किट का, कुछ खाता ही नहीं लड़का, इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। बस मेन रीज़न ये कि कुछ भी नहीं खाता है, विदाउट पूरे दिन बिना खाए रह लेता है, बस मेरी यही प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है इनके साथ। तो इसी में सारा टाइम चला जाता है, तो मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। आज मैंने ब्लॉग शूट किया, देखिए मैं कितना कर पाती हूँ पूरे दिन का ब्लॉग शूट, और मैं कितना एडिट कर पाती हूँ। रेसिपी कंगारू को बेचारा दब गया, कंगारू बताओ चारा गैंगरी की क्या हालत हो गई, देखो बेचारा रो रहा है, देखो कैंगरू रो रहा है, रो रहा है बाबू, रो रहा है, फेंक दिया, रो रहा था, फेंक दिया आपने। संकटा की पूजा तुमने कर ली, अगर मैं संकटा की पूजा के बाद और कुछ शूट कर पाई तो मैं वो आप लोगों के साथ ब्लॉग में ऐड कर दूंगी, अदरवाइज ये ब्लॉग मैं यही पैन करती हूँ। होप सो आपको ये संकटा की पूजा अच्छी लगी, समझ में आई होगी। अभी बच गए हैं शाम के 5, और मैं बनाने जा रही हूँ थोड़ी सी पूड़ी और थोड़ी सी हलवा, आटे का हलवा, तो हम बनाते हैं। ये हमारी कुचैनियाँ बन के, कुचैनियाँ कहते हैं पूड़ी कहते हैं, फिर बन के रेडी हो गई, अब हम जा रहे हैं हलवा बनाने कढ़ाई में। ये हमारा आटे का हलवा भी रेडी हो गया,
पूरी हलवा पैक हो गई, अब हम चलेंगे मंदिर। तो अभी रात के 7 बज गए हैं और मैं और माँ जा रहे मंदिर, हमारे कुल देवी के मंदिर। ऐसा कुछ खास नहीं, स्पेशल दिन नहीं, बस आज हमें दर्शन करने का माना था तो आज हम दर्शन करने जा रहे हैं। और मैंने ये साड़ी पहनी, सुबह दूसरी साड़ी पहनी थी, शाम को मैंने ये साड़ी पहनी, फटाफट से एक नॉर्मल सी साड़ी पहन ली बस। तो चलिए मंदिर चलते हैं। ये हमारी प्राचीन काली माता का मंदिर, ये हम इन्हें हम अपनी कुल देवी भी मानते हैं। शादी करके मैं जब आई थी पहली बार तो मैं इसी मंदिर में आई थी पूजा करने, तो मैं और माँ जो आए थे यहाँ दर्शन करने और थोड़ी सी पूजा करने लिटिल को लेके। हम लोग मंदिर से आ गए और अभी बज रहे 8:30 और मैंने साड़ी चेंज कर ली, कपड़े चेंज कर लिए, मैंने नाइट सूट पहन लिया और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो फटाफट खाना बनाने के लिए बहुत थक गई हूँ, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, 8:30 बजे नींद आ रही है। तो चलिए फटाफट से खाना बना, सबसे पहले मैं बनाऊँगी चाय। तो हमारा खाना बन गया था, सबने खाना खा लिया था। ये वीडियो मैं जो रात में शूट कर रही थी ब्लॉग को एंड करने के लिए, मैंने अपने लिए ओट्स बनाया था, तो मैंने विदाउट ऑयल ये ओट्स बनाया, सब्जियां डाली, सॉस डाला, बट मैं ऑयल एक बूंद नहीं था। और मैं रात को मेरा डिनर ओट्स था, सबके लिए हमने पराठा और सब्जी बनाई थी, तो भाई मुझसे तो ना खाई जाती, तो मैंने अपने लिए ओट्स बनाया था विदाउट ऑयल। तो अलग ही लेवल का। अगर आपको मेरा डेली रूटीन वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड तो फिर मिलते हैं एक नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।